लखनऊ में इंदिरा प्रतिष्ठान में मंगलवार को निवेश सम्मेलन जिला स्तर का इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुआ है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे। लखनऊ में 50,000 करोड़ के प्रस्ताव को लेकर उद्यमियों के साथ अधिकारियों और डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों ने चर्चा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भी इन्वेस्ट करेगा उसकी हर एक बुनियादी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। वह दिन दूर नहीं कि जब यूपी औद्योगिक पैमाने में दुनिया में एक नंबर पर होगा। आने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री आगाज करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पहले यूपी को कानून व्यवस्था ध्वस्त वाले राज्य के रूप में जाना जाता था। वसूली बहुओं बेटियों की इज्जत खतरे में हुआ करती थी, लेकिन 2017 के बाद जब राज्य में आर्थिक पैमाने के नाम पर हो रही, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यूपी में लगातार छोटे उद्योगों को ऊंचा बनाने पर काम हो रहा है। पहले कई लोग यूपी में पलायन कर रहे थे, बाहरी लोग यहाँ यूपी में पैसा इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबको सीएम योगी पर भरोसा है।